आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला जो हमारा वेक्टर है, जो बेसिक वेक्टर है, जो क्लास 11th में पढ़ना चाहिए था, उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, जो कि हम लोग को आगे के क्लासेस वगैरह में थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक वेक्टर, जिसको डिटेल में तो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन फिर भी 12th स्टार्ट करने से पहले अच्छा होगा कि अगर उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। सबसे पहले एक चीज़ देख लिया जाए, जैसे मान लिया जाए अगर कोई एक ये F है, F के ऊपर एक छोटा सा एरो दे दिए, इसको लिख दिए 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। इस 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि 20 न्यूटन, न्यूटन से समझ गए कि फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, नॉर्थ की ओर। ये मेरा क्या है, डायरेक्शन ना, ये हो गया डायरेक्शन। और ये जो 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन कहलाता है क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि उसका मान, किसका मान, तो इस फोर्स का, ये क्या हो गया, मान हो गया, वैल्यू हो गया। और ये नॉर्थ क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हमको इस मैग्नीट्यूड को दिखलाना होगा तो हम लोग चाहें तो ये F के ऊपर एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर ऐसे अगर मॉड डाल दें तो ये वेक्टर F है, ये इस पर अगर इस तरीके से मॉड डाल दे तो ये भी हमारा जो है वो 20 न्यूटन जो हमारा ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, उसको रिप्रेजेंट करेगा। या फिर सिंपली अगर F लिखे तब भी ये F हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 न्यूटन को। 20 न्यूटन यानी कि क्या, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को, इसका मान को, यानी इसका वैल्यू को। और ये नॉर्थ मेरा क्या बतला रहा है, डायरेक्शन। ठीक, तो एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या, डायरेक्शन भी होता है, उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, देखा जाए जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा कोई एक ब्लॉक है, इसको अगर एक आदमी इधर फोर्स लगा कर खींचेगा, मान लिया जाए F1 फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर फोर्स लगा कर खींचेगा और इधर फोर्स लगाया जा रहा है F2। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक आदमी इधर खींचेगा, एक आदमी इधर खींचेगा, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक जो है इधर बीच में जाएगा। क्या एक जैसे यही एक पेन है, इसको धागा बांध दिया जाए और एक आदमी इधर खींचे और एक आदमी इधर खींचे, तो ये पेन ऊपर उठ जाएगा कि नहीं। सेम उसी तरीके से एक इधर ये पेन ऊपर उठ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इस ब्लॉक को एक आदमी इधर खींचेगा, एक आदमी इधर खींचेगा धागा बांध कर, तो ये किधर जाएगा, ऐसे बीच में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर और इधर जो फोर्स लगाए हैं, उन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट है वो कहाँ काम कर रहा है, ऐसे बीच में काम कर रहा है। यानी ये बीच में क्या काम कर रहा है मेरा, नेट फोर्स। ये क्या है, F नेट, इसका और इसका नेट यानी रिजल्टेंट। ठीक है, इसको रिजल्टेंट कहते हैं और R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात देखा जाए, जैसे जैसे एक पेन है, अगर हम लोग इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 10 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा उधर लगेगा, कितना का लगेगा, 2 न्यूटन का। 10 न्यूटन इधर से, 8 न्यूटन इधर से, तो नेट फोर्स इस पर कितना लगा, उस दिशा में 2 न्यूटन का। ठीक, अच्छा, फिर अगर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स इस पर उस डायरेक्शन में लगाएं और 8 न्यूटन का फोर्स भी उसी दिशा में लगाएं, तो 10 और 8 18, टोटल कितना, 18 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स और 8 न्यूटन का फोर्स दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में था, 10 न्यूटन और क्या 8 न्यूटन, दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर मेरा क्या था, 0 डिग्री ना। रिजल्ट इस समय कितना आया था, रिजल्ट मेरा आया था
18 न्यूटन, जब हम लोग इधर से 10 न्यूटन लगा रहे थे और जब इधर से 8 न्यूटन लगा रहे थे, तब दोनों के बीच एंगल जो था वो मेरा कितना है, उल्टा इस तरीके से, का मतलब 180 डिग्री उल्टा है ना, एक ऐसे एक ऐसे, तो यहाँ इसके बीच टोटल एंगल कितना हो गया, ये 180 डिग्री, ठीक है। तब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आया था, नेट फोर्स आया था, वो मेरा कितना था, 2 न्यूटन उस डायरेक्शन में, ठीक है, इतना था। तो यानी कि दो वेक्टर के बीच में फोर्स, ये भी है ये भी फोर्स है, फोर्स मेरा क्या है, एक वेक्टर है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो 10 8 18 न्यूटन का फोर्स, थीटा अगर 180 डिग्री है तो 10 में से 8 चला गया, ये कितना, 2 न्यूटन का फोर्स। तो यानी कि दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है उस पर मेरा निर्भर कर रहा है नेट फोर्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक फोर्स है F1, यहाँ पर एक फोर्स है F2, और दोनों के बीच का एंगल है अगर मेरा ये थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट होगा, जो बीच में काम कर रहा है, एक F1 इधर F2 इधर, उसका जो रिजल्ट होगा इधर बीच में, ये फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स मेरा इस एंगल पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जैसे मान लिया जाए मेरा है कितना, 10 न्यूटन, ये है मेरा कितना, 8 न्यूटन, और ये थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, तो भी हम लोग चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं एक चीज़, 11th क्लास का पढ़ा हुआ चीज़ है हमारा, कि जो एफ नेट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट अंडर, 11th में पढ़ा हुआ है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं, एफ नेट को रिजल्टेंट बोला जाता है, रिजल्टेंट R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इस तरीके से भी करते हैं। अच्छा, अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो भी, या इस तरीके से कर रहे हैं तो भी, बात एक ही है, ठीक। तो अगर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी चलते हुए, तो जो एफ नेट होगा हमारा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 10 का स्क्वायर रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 8 × cos 60 डिग्री ना, cos 60 डिग्री, तो 8 है 10 है और ये क्या है 60 डिग्री है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 64 प्लस ये 160 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया 80, 164 प्लस 80 ये हो गया 244, रूट अंडर 244 ये आता है अप्रॉक्स मेरा 15.62 इतना न्यूटन, यानी कि लमसम कह सकते हैं 15.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर और 8 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स मेरा कितना निकलेगा, 15.5 न्यूटन का निकलेगा। लगाने का क्या तरीका है, इसका स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। यानी अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर, इसको भी ए बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर फार्मूला में सारा वैल्यू डालते जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 60, उसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं और आगे देखते हैं, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक वगैरह भी है जिसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो उस कुछ शॉर्टकट ट्रिक वगैरह को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि माना जाए हमारे पास एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, बशर्ते एक बात ध्यान रखना है कि ये वाला जो वेक्टर है इधर, अगर मान लिया जाए मेरा, इसका मैग्नीट्यूड है x
और इधर जो फोर्स काम कर रहा है या वेक्टर काम कर रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड है एक्स, यानी कि इधर का वेक्टर और इधर का वेक्टर दोनों का मान सेम टू सेम है और दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, एंगल अगर कितना है 60 डिग्री है, तो ध्यान रखना है जो एफ नेट होगा या फिर यूँ कहें कि रिजल्टेंट होगा इसका और इसका जो रिजल्ट बीच में आएगा, यानी एक आदमी इधर खींच रहा है एक आदमी इधर खींच रहा है सेम फोर्स से, ठीक, और 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है मेरा रूट थ्री एक्स। ये ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये शॉर्टकट रहेगा तो हो सकता है कि अगर मान लिया जाए जैसे कि अगर इधर 5000 न्यूटन या 5000 न्यूटन है दोनों के बीच 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो 5000 रूट थ्री हो जाएगा, 5000 रूट थ्री शॉर्टकट में बना सकते हैं हम लोग। इसको चेक कर लिया जाए ये मेरा सही है कि नहीं, देखा जाए, अभी तुरंत इसको चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दिया जाए, ये है जैसे ये, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है ये 60 डिग्री, अगर इधर मान लिया जाए 8 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, इधर भी 8 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो हमारा जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स है वो आना चाहिए 8 रूट थ्री न्यूटन, ये आना चाहिए। हम लोग इसको ज़रा सा नॉर्मल तरीके से चेक करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, F1 इसको मान लिए तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना तो लिखेंगे, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, 8 स्क्वायर प्लस, यहाँ देखा जाए 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको रूट में ऐसे ले लेंगे, ये 2 से 2 ये मेरा कट जाएगा। अब देखा जाए 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये 3 8 स्क्वायर है, तो ये मेरा एफ नेट जो है वो कितना हो गया, ये रूट अंडर 1 2 3 3 इंटू 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर से रूट ये तो बाहर निकल जाएगा 8, और अंदर क्या सिर्फ बच जाएगा रूट थ्री, यानी कि जो मेरा ये ट्रिक है, ये ट्रिक मेरा क्या है, सही है। ये आपको काम देगा कब, जब ये एक्स के जगह पे बहुत लंबा लंबा डाटा रहेगा या बहुत बड़ा संख्या रहेगा, ऐसा कुछ जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। याद रखना है बशर्ते दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मान सेम होना चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे एफ नेट बराबर या रिजल्टेंट बराबर रूट थ्री इंटू एक्स, रूट थ्री इंटू क्या एक्स, ये भी अगर एक्स है ये भी अगर एक्स है तो रूट थ्री इंटू एक्स, ये शॉर्टकट है। नहीं भी अगर है ये दोनों बराबर नहीं है तब तो खैर कोई उपाय ही नहीं है, तब तो फंस जाएंगे, तब तो हमको सीधा लंबा चौड़ा जो मेथड है मेरा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। मगर 60 डिग्री रहेगा तो रूट थ्री इंटू एक्स। अच्छा, अब इसके अलावा एक और ट्रिक है, अगर इन दोनों वेक्टर ये दोनों बराबर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तब उसके लिए भी एक ट्रिक है, उसके लिए भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या ट्रिक है, तो बस रूट थ्री के जगह पर रूट टू आ जाएगा। अगर ये एक अगला ट्रिक है, ये मेरा वो पहला ट्रिक था, ये दूसरा ट्रिक है। अगर ध्यान रखना है कि इधर अगर मान लिया जाए कोई एक फोर्स काम कर रहा है एक्स, इधर भी कोई फोर्स काम कर रहा है कितना एक्स, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ऐसा ऐसा सवाल का ज़रूरत फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग नेट फोर्स या फिर यूँ कहें कि रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो सिंपली होगा रूट टू इंटू एक्स, रूट टू इंटू कितना एक्स। इसको भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, चाहे अगर तो हम लोग चेक कर सकते हैं, एफ नेट का फॉर्मूला अगर हम लोग को लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, अगर इस टर्म में निकालना हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री,
लिखेंगे। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये कॉस 90 का वैल्यू होता है ज़ीरो, ये सारा टर्म तो ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो, तो ये सारा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रह गया, ये क्या हो गया 2x² और उसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और रूट है तो ये तो अपना ठीक हो जाएगा, सिर्फ ये रूट टू बाहर निकल जाएगा, आई इन टू क्या हो गया एक्स बाहर रहे, एक्स स्क्वायर है तो रूट से ये बाहर निकल जाएगा सीधा, रूट टू यहीं रह जाएगा, तो रूट टू इंटू एक्स ऐसे भी, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक हमको ध्यान रखना है, रूट टू इंटू एक्स सेम है 90 डिग्री एंगल है तो रूट टू इंटू एक्स, अगर सेम है 60 डिग्री एंगल है तो रूट थ्री इंटू एक्स। तो ये दोनों ट्रिक को ध्यान रखना है, ये दोनों ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ट्रिक वगैरह से भी बना लेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हम लोग को इससे हेल्प मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग जो है थोड़ा सा वेक्टर का कुछ अलग सा चीज़ देखते हैं, एक है काम देने वाला मेरा डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, तो ये रहा अब डॉट प्रोडक्ट, ठीक, छोटा छोटा सा चीज़ है बस, इसका काम आएगा 11th का, अगर भूल गए हैं तो बस उसके रिवीजन के लिए एक क्लास चल रहा है, ठीक है। पूरा डिटेल में डॉट प्रोडक्ट और क्या होता है, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, ये सब चीज़ 11th के क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। 11th के क्लास का जो वीडियो होगा उसको देखने पर मिल जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्या चीज़ डॉट प्रोडक्ट पर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे अगर एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि क्या, गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन तो करना है, लेकिन वे कोई सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 5 × 3 = 15, ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे ये एक वेक्टर है हमारा ए और यहाँ एक वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर काम कर रहा है इस तरीके से, वेक्टर में कोई भी फोर्स भी हो सकता है, कोई भी चीज़, तो ये दोनों वेक्टर है आपस में काम कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल है मान लिया जाए थीटा। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा मेरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो जानते होंगे आप लोग जैसे बहुत कोई कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है कितना, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर इसका वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है क्या 60 डिग्री, तो जो ए डॉट बी होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 8 × b की जगह क्या 10 × cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2, तो ये 2 से ये कट जाएगा, ए ये 80 × ये हो गया 1/2, 2 से ये कट जाएगा तो मेरा कितना आएगा 40, ये 40 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है क्या डॉट प्रोडक्ट। अब इसके जस्ट बाद हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। देखा जाए ज़रा, जैसे कि एक वेक्टर है हमारे पास ये वेक्टर ए और एक वेक्टर है यूं वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसा क्रॉस वाला, तब जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट होगा ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी करते थे तो ए बी कॉस थीटा आता था, ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। इसमें एक छोटा सा बात ध्यान रखने वाला है ये कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आएगा ना ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा एक मेरा वेक्टर है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अपने आप में एक वेक्टर होता है। वेक्टर होता है तो जाहिर सी बात है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी होगा।
ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो मेरा ये खुद ए बी साइन थीटा ही रहेगा। इसी ए बी साइन थीटा को कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और रही बात डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन हम लोग पता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। किसका? राइट हैंड थंब रूल का। देखा जाए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल उसको समझते हैं पहले। देखा जाए इस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा जो राइट हैंड है उसको क्या करना है कि ये जो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इस क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है? ए, फिर बी है ना। ठीक, तो पहले जो लिखा हुआ वेक्टर है यानी कि वेक्टर ए, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा? अपना राइट हैंड को रखना पड़ेगा ऐसे, फिंगर को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, उसके तरफ अपने फिंगर को इस तरीके से कर्ल करना पड़ेगा यानी कि घुमाना पड़ेगा। तब ये जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा हमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बतलाएगा। फिर से ए क्रॉस बी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ? वेक्टर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड को कहाँ रखेंगे? वेक्टर ए पर रखेंगे। वेक्टर ए पर रखने के बाद उसको घुमाएंगे किधर? वेक्टर बी के तरफ घुमाएंगे, थीटा से होते हुए, एंगल से होते हुए वेक्टर बी के तरफ घुमाएंगे। और फिर ये जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा हमको बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जैसे ये किधर आ रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर कहने का मतलब ये जैसे क्या हो गया, ये जैसे ये तीर इस तरीके से ऐसे बाहर आ रहा है, तो हमको क्या दिखेगा? ये एक ऐसा पॉइंट जैसा दिखेगा ना, तो ये हमको क्या दिखेगा? ऐसे बाहर की ओर। तो बाहर की ओर जो है उसको हम लोग इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं, तीर हमारे तरफ ही आ रहा है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ यानी कि तीर हमारे तरफ ही आ रहा है, तो ऐसे एक पॉइंट जैसा अपनी ओर आते हुए दिखेगा। तो ये हो गया क्या? आउटवर्ड, आउटवर्ड का सिंबल हो गया बाहर की ओर का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए, तो ए क्रॉस बी का बाहर की ओर, तो बी क्रॉस ए का अंदर की ओर, सिंपल है। उसको अगर पता करना होता तो कैसे पता करते? बी पे हाथ रखकर, राइट हैंड का फिंगर को बी पे हाथ रख करके ए की तरफ घुमाना होता, क्योंकि एंगल है, एंगल से होते हुए, ऐसा नहीं कि इधर से घुमाएंगे, नहीं, जिधर एंगल है उधर से होते हुए घुमाना होता है। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये तो टूट जाएगा ना, क्या? तो हाथ को तोड़ना नहीं है, बचा के चलना है। इधर से ऐसे नहीं करते तो फिर हम लोग ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि यही वाला हिस्सा रखें, हम लोग ये वाला हिस्सा भी रख सकते हैं। इस वाले हिस्से को जब रखेंगे तो यहाँ से ऐसे घुमाएंगे फिंगर, तो ये किधर आएगा डायरेक्शन? अंदर की ओर। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर आया? अंदर की ओर। यानी कि जब बी क्रॉस ए की बात होती तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होता? अंदर की ओर। अंदर की ओर का सिंबल होता है ये, ये हुआ इनवर्ड का सिंबल, इनवर्ड, अंदर की ओर। यानी कि ऐसे यूं अंदर की ओर, जब तीर ऐसे चलाते हैं तो देखा गया होगा कि तीर में ऐसे पंख होता है ना, तो ऐसे हमको इस तरीके से दिखेगा पंख जैसा। जैसा सिंबल एक जगह और देखा जाता है, जैसे कि ट्रेन अगर कहीं जा रही है तो उसके सबसे आखिरी बॉगी में पीछे में इस तरीके का क्रॉस बनाया रहता है। उसका मतलब यही हुआ कि वो जो ट्रेन है उसका मतलब वो समझ जाएंगे लोग कि वो किधर जा रहा है, ऐसे दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ये इसका सिंबल क्या समझना है? अंदर की ओर। इसका सिंबल क्या समझना है? बाहर की ओर। ठीक, एक आध प्रैक्टिस कर लिया जाए। जैसे अगर ये है वैक्टर पी है, ये है वैक्टर क्यू। अगर यहाँ पर पूछा जाए वैक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक नंबर बाहर की ओर, दो नंबर अंदर की ओर। तो इसको सोचना है जरा सा, वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर अब देखते हैं जरा। तो पी क्रॉस क्यू है, तो पी पे हाथ रख करके क्यू की तरफ घुमाना है। पी पे हाथ रखना है, रख करके किधर घुमाना है? क्यू की तरफ घुमाएं। अंगूठा किधर आया? बाहर की ओर। आंसर क्या हो गया? एक नंबर, सिंपल। अच्छा, अगर हमको बोला जाता क्या Q क्रॉस P का डायरेक्शन बताइए, तो Q पे हाथ रख करके P की तरफ ऐसे तो तोड़ना नहीं है ना, हम लोग को क्या करते हैं? Q पे हाथ रख के इधर ऐसे P की तरफ घुमाते, डायरेक्शन किधर आता? अंदर के और आ जाता। अगर Q क्रॉस P का डायरेक्शन पूछा जाता तब, यहाँ क्या सवाल में पूछा जा रहा है? P क्रॉस Q, यानी P पे हाथ रख करके Q की तरफ घुमाना है। अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ।
आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर जैसे कि देखा जाए, मान लिया जाए ये है, ये है, और अगर ये है M और ये है क्या N, ये है एंगल। अगर बोला जाए M क्रॉस N का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक नंबर में बाहर की ओर, दो नंबर में है अंदर की ओर, तो M क्रॉस N का डायरेक्शन, तो M पे हाथ रख करके किधर हमको घुमाना होगा, N के तरफ, M पे हाथ रख करके N के तरफ। तो चला जाए हम लोग M पे हाथ रखते हैं, तो ये है मेरा M, M पर हाथ रखेंगे, N के तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किधर आया बाहर की ओर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक, अगर बोला जाता N क्रॉस M का डायरेक्शन बताइए, तो N पे हाथ रख करके M के तरफ ऐसे तोड़ते तो नहीं, तो हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, ऐसे ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा तो रख ही सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर N पे हाथ रख करके किधर घुमाते, M के तरफ, डायरेक्शन किधर आ जाता, फिर अंदर की ओर आ जाता। उस टाइप का भी एक हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि ये है और ये, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे S है और यहाँ पे क्या है, T है। अच्छा, और अगर इसमें बोला जाए ये है एंगल, S क्रॉस T का डायरेक्शन बताने, एक नंबर बाहर की ओर, दूसरा नंबर अंदर की ओर, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, किधर होगा। तो S पे हाथ रख करके T की तरफ घुमाना है, तो S पे हाथ रख करके T की तरफ ऐसे तोड़ तो नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, S पे हाथ रख करके ऐसे तोड़ना नहीं, बल्कि तब फिर ऐसे रख लेना है, S पे हाथ रख के किधर, T की तरफ ऐसे घुमाना है, डायरेक्शन किधर आ जाएगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, ये क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे डायरेक्शन निकालना है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग जैसे ऐसे और भी क्वेश्चन सब आते जाएगा प्रैक्टिस वगैरह के साथ साथ, और भी ये बहुत आसान होता चला जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, उसको लिखा जाए, लिख लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एट फर्स्ट पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन द वेक्टर विच इज रिटेन फर्स्ट एंड कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स अनदर वैक्टर थ्रू एंगल then thumb will give the direction of cross product। ना, क्या कह रहा है ये, according to this rule, इस rule के हिसाब से क्या करना चाहिए, at first put your fingers of right hand, अपने राइट हैंड के फिंगर को रखना ऑन द वेक्टर विच इज रिटेन फर्स्ट, उस वेक्टर पर रखना है जो कि क्या है, पहले लिखा हुआ है, उस पर रख देना है। उसके बाद क्या करना है, एंड कर्ल योर फिंगर, कर्ल मतलब घुमाना, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स क्या, अनदर वेक्टर, और अपने फिंगर को क्या करना है, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है थ्रू क्या, एंगल से होते हुए, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको यहाँ पे हाथ रख करके एंगल से होते हुए बी वेक्टर यानी दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, तो अंगूठा हमारा क्या बताएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बतलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक आध प्रैक्टिस करने से और भी ज़्यादा ये परफेक्ट होता चला जाएगा। तो वक्त के साथ हम लोग और भी चैप्टर में देखते चले जाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा क्या, डॉट प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी। अब हम लोग जो है वेक्टर में एक छोटा सा और टॉपिक है जो बहुत काम देता है, वो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, उस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को भी हम लोग
देख लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का है बस। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, पता ही होगा कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, कॉम्पोनेंट यानी कि उसका हिस्सा, वेक्टर का एक हिस्सा, एक अंग। तो देखा जाए ज़रा, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है अगर ये, ठीक है, इस पर इस डायरेक्शन में ऐसे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, इसको खींचना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा और फिर आगे की उड़ जाएगा। क्या ये पेन ही है, इसको भी अगर इस तरीके से हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो ये हल्का सा क्या होता है, ऊपर उठेगा और आगे की उड़ जाएगा ना। अगर कोई छोटा सा ये ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है या कॉपी वगैरह कुछ भी, उसको भी इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा और फिर ये आगे की उड़ जाएगा, इसको ऐसे खींचने पर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा ना। इसी फोर्स का एक हिस्सा इधर काम कर रहा होगा जो कि इस ब्लॉक को आगे ले जाने में मदद करेगा, और इसी फोर्स का एक हिस्सा ऊपर की ओर काम करेगा जो कि इस ब्लॉक को हल्का सा ऐसे ऊपर उठाने का काम करेगा, ठीक है? तो ये जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके साथ मान लिया जाए ये वेक्टर मेरा, हाँ, जो फोर्स लगा रहे हैं वो मेरा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो ध्यान रखना है इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो इधर काम करेगा वो होगा, जिधर एंगल होता है उधर उतना ही कॉस थीटा काम करता है, यानी इधर एफ कॉस थीटा लगेगा, इधर एफ है तो इधर कितना काम करेगा, एफ कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं है उधर कितना काम करेगा, एफ साइन थीटा। तो इसका एक हिस्सा इधर काम करेगा एफ कॉस थीटा, इसका एक हिस्सा इधर काम करेगा कितना, एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा इस ब्लॉक को आगे ले जाने में मदद करेगा, और ये एफ साइन थीटा क्या करने में मदद करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने में मदद करेगा। जिधर एंगल होता है उधर उतना कॉस थीटा लिया जाता है, बाकी दूसरे साइड उतना साइन थीटा लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे किए क्या है, इसी वेक्टर को दो टुकड़े में तोड़ दिए, एक एफ कॉस थीटा में और एक एफ साइन थीटा में। अच्छा ठीक है, तोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको नेट यही वेक्टर आ जाना चाहिए था, इसको और इसको जोड़ने के बाद मेरा ये एफ आना चाहिए कि नहीं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं, ठीक। तो अगर इसको इसको जोड़ना होगा तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं हम लोग, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये हो गया क्या, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ वन इंटू एफ टू इंटू क्या करते, टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा लेना पड़ता, थीटा यानी कि एंगल, एंगल यानी कि किसके किसके बीच का, इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल, तो ये 90 डिग्री है ना, ये क्या दिख रहा है हमको, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, ठीक, ये कितना हो जाता, 90 डिग्री, ठीक। तो ये cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो चूंकि ये सारा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ख़त्म, सिर्फ अंदर में क्या बचेगा, ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचेगा, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ और यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा अंदर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो मेरा कितना होता है, 1, तो 1 इंटू एफ स्क्वायर, ये रूट अंडर एफ स्क्वायर ही रह गया, और एफ ये स्क्वायर और रूट मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा हमारे पास, एफ। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि अगर इन दोनों वैक्टर को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मेरा फिर से क्या आ जाता है, एफ। तो इसका मतलब सही है कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये एक एफ कॉस थीटा एक एफ साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है, और एक चीज़ खास नोट करके रख लेना है कि जिधर एंगल होगा उधर उतना कॉस थीटा लेना है, दूसरी साइड उतना साइन थीटा लेना है। जैसे कि एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे अगर इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है, इधर क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर अगर कोई फोर्स लग रहा है मेरा एफ, और इधर है एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में किधर कितना फोर्स काम करेगा, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना काम करेगा, एफ साइन थीटा, एफ
साइन थीटा, जिधर एंगल है उधर उतना कॉस थीटा, दूसरे साइड उतना साइन थीटा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, छोटा सा चीज़ कि अगर इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है, इस तरीके से ऐसे अगर फोर्स काम कर रहा, अगर इधर मेरा थीटा होता तब हम लोग इस साइड लिखते हैं एफ कॉस थीटा, और इस साइड कितना लिखते हैं, समझ रहे हैं हम लोग, एफ साइन थीटा। याद रखना है जिधर एंगल होगा उधर उतना कॉस थीटा कर देना है, ठीक है, जिधर एंगल होगा उधर उतना कॉस थीटा और दूसरे साइड उतना साइन थीटा कर देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो था मेरा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन ऑफ वैक्टर ना रिजल्टेंट निकालना और ये कंपोनेंट ऑफ वैक्टर, ये सब चीज़ जितना भी है ये तो वैक्टर से रिलेटेड टर्म हो गया। अब हमारा जो है मैथमेटिकल टूल्स वगैरह ये सब खत्म हो चुका है वेक्टर से रिलेटेड टर्म भी। बस एक छोटा सा चीज़ बस एक आध मिनट का और हम छोटा सा बतला देते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह से रिलेटेड है जिसको हमको शायद वही इंटीग्रेशन में ही बताना चाहिए था, खैर फिर भी देखते हैं जरा सा। एक छोटा सा टर्म है जैसे अगर इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत काम देता है ट्वेल्थ के फिजिक्स में, जैसे अगर इंटीग्रेशन करना हो डी एक्स का तब कैसे करेंगे, क्या चीज़ है ये, तो ध्यान रखना है इस सिंबल को देखते ही हम लोग करते क्या है, इस इंटीग्रेशन के साइन के बाद जो भी चीज़ यहाँ पर रहता है उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। और इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके हिसाब से करते हैं, डी के बाद जो लिखा रहता है उसके हिसाब से करते हैं, फिर से इस सिंबल के जस्ट बाद जो लिखा रहता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी के बाद जो लिखा रहता है उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या वन इंटू डी एक्स, कुछ नहीं तो वन यहाँ लिख सकते हैं, वन इंटू डी एक्स ये तो वही रह जाएगा, वन इंटू डी एक्स डी एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो इस वन को लिख सकते हैं ना एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर क्या, एक्स टू द पावर जीरो का मान होता है वन, वन इंटू डी एक्स, डी एक्स ही रह गया। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग बस एक्स के पावर में जीरो है तो क्या करते हैं पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ कर कितना आया वन, वन से डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया वन बाय वन यानी कि एक्स। तो ये समझ में आया कि अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन करने चले तो एक्स आता है, सेम उसी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, अगर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू, अगर डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, अगर कोई भी चीज़ डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे अगर सॉरी डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा सा चीज़ है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद एक और छोटा सा बस चीज़ है, जैसे कि अगर कोई एक इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स टू द पावर मान लिया जाए ये फोर है डी एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है किसका 3x टू द पावर 4 का, किसके हिसाब से dx मतलब x के हिसाब से, तो क्या करते थे इसमें हम लोग 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 में एक जोड़ देंगे, 4 में एक जोड़ेंगे यानी कि 5 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। अच्छा अगर हम चाहते देखा जाइए जो बगल में 3 था उससे तो कोई लेना देना हुआ नहीं, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब कि अगर हम लोग को कभी भी इस तरीके का हो चीज़ जैसे अगर इंटीग्रेशन करना हो 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 है इंटीग्रेशन डी एक्स है, अगर हम चाहते इस 3 को तो इस 3 चूँकि एक मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इस 3 को चाहेंगे तो हम लोग ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या 4 और डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अगर लिख दिए हैं तो देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 को तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 है, इस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पावर में एक जुट जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा और फिर उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर 5 बाई क्या हो गया 5, यानी कि 3 से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, पहले भी आंसर मेरा आया था 3 एक्स टू द पावर 5 बाई 5, अभी भी आंसर कितना आया 3 एक्स टू द पावर 5 बाई 5, यानी ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम लोग इंटीग्रेशन के चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में दिया रहे ई डी एक्स ऐसे अगर बोल दिया जाए कि ये मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, अगर ये बोला जाए तो हम लोग इस ई को क्या कर सकते हैं
इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर क्या है dx का इंटीग्रेशन करना है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा x, तो ये लिखा जाएगा सिंप्लीफाई होकर के e इंटू x. अगर कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e dA और बोला जाए कि ये मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो e को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, और dA का जो इंटीग्रेशन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा a, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना है. अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया रहे बी डी एल और ये बोला जाए कि क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग b को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर में बचा डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, तो b इंटू एल, ये मेरा क्या हो गया आंसर. तो ये सब छोटा छोटा चीज़ था जिसको कि ध्यान में रखना है, जिसका काम फिजिक्स वगैरह में पढ़ने वाला है. तो बस अब हो गया इतना ही बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह का काम हम लोगों को ट्वेल्थ के फिजिक्स में पढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स का काम नहीं पड़ेगा. और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चैप्टर में हम लोग करते चले जाएंगे जब भी, तो कुछ कुछ और भी बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह का हम लोग नॉलेज साथ ही साथ लेते भी चले जाएंगे. तो इतना जो बेसिक हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े और ये वेक्टर पढ़े, तो इन सब का ध्यान आप लोगों को रखना है, उसके बाद ही ट्वेल्थ का कोई भी चैप्टर शुरू करना है. तो बस अब इसको रहने देते हैं हम लोग. अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि ट्वेल्थ का हमारा पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे. अब